हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र केवड़ और आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक लेके आया हूँ दोस्तों। ये लिंक DFCCIL की तरफ से है दोस्तों। ये रेलवे का रिक्वायरमेंट आ गया है और नई भर्ती से के लिए। इसकी इम्पोर्टेंट डेट 25/5/2000 है दोस्तों और लास्ट डेट 19/6/2023 दोस्तों। आज हम इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, तो आइए इसे देरी ना करते हुए हम इस वैकेंसी की डिटेल के बारे में जानते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या डेटें हैं, कौन कौन सी पोस्टें में निकली हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा है ऊपर कि डायरेक्ट फ्लाइट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड ऑफ इंडियन लिमिटेड रिक्रूटमेंट्स नोटिस लिखा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। और दोस्तों, इस पोस्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेट ये है दोस्तों। इसकी इम्पोर्टेंट डेट है कि स्टार्टिंग डेट है 20/5/2023 16 टाइम। और तो इसकी क्लोजिंग डेट है दोस्तों, ये क्लोजिंग डेट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 19/5/2023 दोस्तों। स्टेज वन स्टेज टू लिखा दोस्तों, स्टेज वन स्टेज टू E1 है, स्टेज टू है दोस्तों, स्टेज थ्री है कंप्यूटर मार्च एप्लीकेशन CBT March 2024 में दोस्तों। ये अप्लाई करने के लिंक है दोस्तों इधर से। और ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि UR के लिए 24 है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों। और टोटल वैकेंसी ऑफ ऑपरेशनल बिजनेसमैन डिप्लोमेंट के लिए 235 पोस्ट हैं दोस्तों। UR में 97, SC में 35 है, ST में 17 है, OBC और NCL में 63, EWS में 23 है दोस्तों। ग्रेजुएशन विद लेस दैन 60% ऑफ द मार्क रिकॉर्डेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 60% मार्क अनिवार्य है दोस्तों। और मेडिकल स्टैंडर्ड एनी कोई टू लगा सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखिए, अब आगे और बढ़ते हैं पोस्टों में दोस्तों। ये दोस्तों टोटल वैकेंसी अब 14 किसकी है, स्टीविंग फाइनेंस की है दोस्तों। कितनी टोटल 14 पोस्टें हैं। स्टीविंग ह्यूमन रिसोर्सेज की दोस्तों 19 पोस्टें हैं। और टोटल वैकेंसी ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की 6 पोस्टें हैं। और देखिए दोस्तों, और जूनियर एक्सट्रीट की दोस्तों इलेक्ट्रिकल की 24 पोस्टें हैं। और जूनियर सिंगल टेक्निक कम्युनिकेशन की 148 पोस्टें हैं। मैकेनिकल दोस्तों 9 पोस्ट है। मैकेनिकल दोस्तों फिटर भी आ सकता है और BTech मैकेनिकल भी आ सकता है दोस्तों, इसलिए मैकेनिकल की पोस्ट कितनी है, 9 पोस्टें हैं। UR की 6 हैं, SC के, ST के 0 पोस्ट हैं दोस्तों। ST इसमें कोई एक भी पोस्ट नहीं दी गई है दोस्तों। OBC NCL की 2 पोस्ट है, EWS की भी दोस्तों 0 है, PWX सर्वेंस की 1 है दोस्तों। और मेडिकल कोई भी 2 दे हो सकते हैं फ्रेंड। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब दोस्तों द एप्लीकेशन शुड बी प्रोसेस एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन क्लोजिंग डेट और ऑनलाइन रजिस्टर, मतलब दोस्तों इस फॉर्म की क्लोजिंग डेट 19/6/2023 है। इससे पहले आप अपना फॉर्म फ्लिप कर दें दोस्तों, नहीं तो इसकी लिंक जो है बंद हो जाएगी। लिंक बंद होने का समय है 19/6/2023, मतलब 19/6/2023। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि 19/6/2023 लिखा हुआ है दोस्तों। और इसमें कैंडिडेट BTech, MTech, ऑल डिग्री इंजीनियर्स, ME, MTech, ये दोस्तों सारा क्वालिफिकेशन आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसको रिएज कर देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, PDF है इसमें। और ये देखिए दोस्तों, इसमें है PDF पेज नंबर 6 में एज लिमिटेड दे रहा है कितना, STP 18 से 23 ईयर, जूनियर STP 18 से 30 ईयर, दोनों की समथिंग एज ही एक ही एज है। एज रिलैक्सेशन देगा दोस्तों बाई 5 ईयर ST SC कैंडिडेट के लिए, बाई 3 ईयर OBC के लिए, बाई 10 ईयर PWDS के लिए दोस्तों। गवर्नमेंट DFCL दोस्तों रेलवे की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, इस फॉर्म को मत चूके, जल्द से जल्द अप्लाई कर दें दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी सारा PDF है। और वैकेंसी बहुत कम आती है दोस्तों, पहली बार बहुत जल्द ये वैकेंसी है और अच्छा रिक्रूटमेंट है। इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जल्द से आएगा तो मैं आपको तुरंत यूट्यूब पर लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा।
ये देख सकते हैं दोस्तों, सारा इसका पीडीएफ है। सेकंड स्टेज कंप्यूटर वेस्ट, ये देखिए दोस्तों, ये सब इसका दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है ये तो आपको मैंने बता दिया है, आईटीएक बीटेक एमटेक, मगर इसका सिलेबस टॉपिक किस किस से आएगा दोस्तों, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन, लॉजिक रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ रेलवे डीप से 10 क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ईजी, टोटल 100 नंबर का मार्क रहेगा और 1.5 घंटे का आपको 90 मिनट का समय मिलेगा दोस्तों, 120 मिनट ही देखिए दोस्तों, 120 क्वेश्चन आएंगे, 160 टाइम मिलेगा दोस्तों, क्वालिफाई मार्क ईडब्ल्यूएस के 40% मार्क, एनसीएल के 30%, नॉर्मलाइजेशन मार्क, हेल्प इन मोटिवेशन द पोस्ट ऑफ फॉलोअर, सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे प्रिय दोस्तों, मत बोले इस फॉर्म को फ्लिप करना, जल्द से जल्द इसको फॉर्म फ्लिप कर दें, और चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों स्टीव जूनियर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस की एप्लीकेशन फ़ीस कितनी दोस्तों, 1000 रुपये है, यदि आपको शो कर रहा है, मॉडिफाई एप्लीकेशन लिंक, ये देखिए दोस्तों, ये सारा पीडीएफ है, ये ओबीसी का सर्टिफिकेट फॉर्म है दोस्तों, इस तरह का आपको बनवाना पड़ेगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो, ये देखिए दोस्तों सारा फॉर्म फिर फ्लिप करने के लिए बताया गया है, बस दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी, और आगे जानकारी सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मत भूलें, धन्यवाद।